नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। राजधानी जयपुर के सांगानेर सदर क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। सांगानेर के गवार बरमान गाँव में दीवार गिर गयी, जिसमे ठेकेदार और एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गयी है। सांगानेर के गवार बरहान गाँव की निर्माणाधीन फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है। निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा था। हादसे में 7 से 8 लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर सांगानेर सदर पुलिस मौके पर पहुंची है, साथ ही में सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया है। सिविल डिफेंस की टीम ने मलबा हटाना शुरू कर दिया है। अंतिम समाचार मिलने तक 3 मजदूरों के शव निकाल लिए गए हैं। इसकी दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान की 5 बिजली कंपनियों में राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की ओर से निकाली गई 1295 पदों की भर्ती परीक्षा का ऐलान हो गया है। मंत्रालयिक पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए परीक्षा अलग अलग चरण में 17 से लेकर 27 सितंबर तक होगी। इसमें सहायक कार्मिक अधिकारी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक एवं कनिष्ठ सहायक, वाणिज्यिक सहायक सेकंड पद शामिल है। उल्लेखनीय है कि 6 अगस्त को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 1075 इंजीनियर और नॉन टेक्निकल पदों की भर्ती के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी किया था। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं 4 सितंबर से शुरू होगी, जो अलग अलग दिन 12 सितंबर तक चलेगी। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट सुन लीजिए। राजस्थान में मानसून के कमजोर पड़ने के साथ ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर समेत कई शहरों में इनका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। सावन के महीने में जेठ की सी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 सप्ताह बाद प्रदेश में एक बार फिर मानसून एक्टिव होगा। पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में इस दौरान बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। पश्चिमी राजस्थान के हालात बेहद चिंताजनक है। जोधपुर संभाग के कई जिलों में किसानों ने अभी खेत तक नहीं बोए हैं। राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जो बारिश के लिए तरस रहे हैं। बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, गंगानगर, जालौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर समेत बीकानेर के कुछ हिस्से और नागौर के कुछ हिस्से, इन जिलों में बारिश की कमी बनी हुई है। लेकिन जोधपुर संभाग में सबसे कम बारिश हुई है। यहाँ लगभग सूखे जैसी स्थितियाँ हैं। यहाँ के किसान अब सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि सरकार इनकी कुछ सहायता कर दे। प्रदेश की एक और बड़ी खबर, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। राजस्थान स्टेट ओपन 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 सितंबर से 26 अक्टूबर तक आयोजित होगी और 12वीं ओपन की परीक्षाएं 30 सितंबर से 30 अक्टूबर में आयोजित होगी। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे, राजस्थान के बाड़मेर से बड़ी खबर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में होनहार बहन ने अपनी कमजोर बहन को अंग्रेजी की परीक्षा पास करवाने के लिए फर्जी स्टूडेंट बनकर उस परीक्षा में जाकर बैठ गई, लेकिन पकड़ी गई। प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट घोषणा के अनुरूप 147 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के काम को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि राजस्थान के सभी उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा है कि निवेश की दृष्टि से भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की है। बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भोंगवाड़ा के हंगरीपाड़ा में बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है और बच्चों को बचाने के लिए मां भी कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन बच्चों को नहीं बचा सकी। यानी कि बांसवाड़ा में बिना मुंडेर का कुआं एक बार फिर मौत का कुआं बना है। एक ही परिवार के 3 बच्चों की कुएं में डूबने से मौत हो गई है। 2 बहन और 1 भाई की मौत हुई है। 3 बच्चों की माँ को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।